हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अतुल महाजन एंड आई एम अ कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स एंड स्पोर्ट्स सर्जन। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज मैं आपको प्लास्टर के रिलेशन में कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूं। देखिए, जब भी किसी को फ्रैक्चर होता है, किसी भी बॉडी पार्ट का हो, चाहे वो हाथ का है, पैर का है, जब भी फ्रैक्चर्स होते हैं तो काफ़ी बार आपके ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स आपको प्लास्टर लगाने की सलाह देते हैं। प्लास्टर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है ऑर्थोपेडिक केयर में, लेकिन इस प्लास्टर की केयर करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको फ्रैक्चर हुआ है और अगर आपको प्लास्टर लगाया जा रहा है, तो उस प्लास्टर के लिए आपको क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, इस प्लास्टर को उतारने के बाद आपको क्या प्रिकॉशंस लेनी हैं, और कब आपको अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से मिलने की ज़रूरत है अगर आपको कुछ तकलीफ हो रही है इस प्लास्टर को लगाने की वजह से, आज इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ समझने की ज़रूरत है, तो वो ये है कि ये प्लास्टर का फंक्शन क्या होता है। देखिए, प्लास्टर लगाया जाता है आपके किसी भी बॉडी पार्ट का फ्रैक्चर हुआ है, चाहे वो आपके रिस्ट का है, आर्म का है, फोर आर्म का है, आपके पैरों में कोई फ्रैक्चर हुआ है, फुट का कोई फ्रैक्चर है, एंकल में कोई फ्रैक्चर हुआ है, कहीं का भी फ्रैक्चर हो, इस प्लास्टर का मेन काम ये होता है कि वो उस पार्ट को इमोबिलाइज कर देगा, उस पार्ट को आप हिला डुला नहीं पाएंगे। क्योंकि आप जब फ्रैक्चर को रिड्यूस करके उसकी अलाइनमेंट मेंटेन करनी ज़रूरी है, उसकी लेंथ मेंटेन करनी ज़रूरी है, उसको ठीक से बिठाना ज़रूरी है, और अगर उस दौरान वो फ्रैक्चर के जो फ्रैक्चर के बोनी एंड्स हैं वो हिलते रहेंगे, तो वो फ्रैक्चर कभी भी ढंग से जुड़ेगा नहीं। तो इसलिए प्लास्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि वो उस पार्ट को उतने टाइम के लिए, यूजुअली 4 से 6 हफ्ते, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रैक्चर्स, उसको वो चीज़ इमोबिलाइज कर दी जाती है। तो देखिए, जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आपको प्लास्टर लगाया जाए, इनिशियल 48 से 72 आवर्स, इनिशियल 2 से 3 दिन के लिए आपको मेक श्योर करना है कि आपने अपने प्लास्टर्ड पार्ट, आपने इसको उठा के रखना है, आपने इसको ज़मीन पे ज़्यादा देर तक लटकाना नहीं है। आपने अगर चाहे आपको पैर का प्लास्टर लगाया, तो आप मेक श्योर करिए कि आप तकिए या पिलो के ऊपर ये पैर को ऊपर उठा के रखेंगे, हार्ट लेवल से ऊपर उठा के रखेंगे। अगर आपके हाथ का फ्रैक्चर हुआ, तो काफ़ी बार आपके जो डॉक्टर्स हैं, या तो कफ एंड कॉलर दे देंगे, या एक आपको पाउच दे दिया जाएगा, आर्म स्लिंग दे दी जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं, तो आपके फ्रैक्चर एंड्स में सूजन बनी रहेगी, और ये सूजन कहीं ना कहीं आपकी जो हीलिंग हो रही है उसको इनहिबिट कर देगा, वो हीलिंग ढंग से होगी नहीं। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्लास्टर की केयर के अंदर, कि आपने अपने प्लास्टर को गीला नहीं होने देना है। देखिए, अगर आपको POP कास्ट लगाए, जो चूने वाला प्लास्टर होता है, अगर आप उसको गीला करते हैं, तो उसकी कहीं ना कहीं जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है, वीक हो जाएगा। गीला करने की वजह से अगर आप बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, आप गर्मी में बैठे हुए हैं, स्वेट कर रहा है, प्लास्टर गीला होना शुरू हो जाएगा। अवॉइड करना चाहिए नहाते वक्त, हाथ साफ करते वक्त या पैर साफ करते वक्त, अगर पानी अनइंटेंशनली भी अंदर चला जाता है, तो उसकी वजह से वो प्लास्टर गीला हो जाएगा, प्लास्टर की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, और उसका एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट होता है कि आपको उसकी वजह से इचिंग भी शुरू हो जाएगी। अब उसका एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट ये है कि जब आपको इचिंग हो रही है, तो काफ़ी बार आपने देखा होगा कि लोग अंदर स्केल से या पेंसिल या पेन से अंदर खुजलाने की कोशिश करते हैं, जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसको करने से अंदर कहीं ना कहीं आपको कुछ सोर होने का खतरा होता है, स्किन मैसरेट हो जाएगी, इन्फेक्शन होने का खतरा हो जाएगा, जो आपका प्लास्टर का मेन फंक्शन था वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय होता है, आपको प्लास्टर जल्दी निकलवाना पड़ जाएगा, या आपके अंदर के स्किन के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह की जो हरकतें होती हैं, नहीं करनी चाहिए। अगर आपको दिक्कत हो रही है, इचिंग हो रही है, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, वो आपको कुछ ना कुछ मेडिकेशन उसके लिए एंटीहिस्टामिनिक्स दे देंगे। एक बहुत ही अगेन इंपॉर्टेंट कंसर्न होता है, काफ़ी बार कुछ पेशेंट्स जो अंदर पैडिंग जाती है प्लास्टर की, उसको पुल करते रहते हैं, ये नहीं करना चाहिए। बिकॉज जब आप इस तरह से पैडिंग को अंदर पुल करते हो, तो आपका प्लास्टर लूज हो सकता है, और जो प्लास्टर का मेन फंक्शन है कि उसको कहीं ना कहीं फिट अच्छी तरह से होना चाहिए, ताकि वो हड्डी अच्छी तरह से जुड़ सके, वो चीज़ कहीं ना कहीं वहाँ पे अफेक्ट होती है। तो इस तरह के चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आपने मेक श्योर करना है कि जो भी आपकी फिंगर्स हैं या आपकी जो टोज हैं, उनकी मूवमेंट्स आप करते रहें। देखिए, अगर आपको सपोज करिए आपको हाथ का प्लास्टर लगा हुआ है, तो आप मेक श्योर करिए कि आप एटलीस्ट फिंगर मूवमेंट्स अपनी करते रहेंगे, ठीक है। उसी तरह जब आपके पैरों का प्लास्टर लगा हुआ है, मेक श्योर करिए कि आपकी अपनी टोज हिलते रहनी चाहिए। अगर आप जॉइंट्स को बचाएंगे, अगर आप जॉइंट्स के मूवमेंट नहीं करेंगे, तो वो जॉइंट्स स्टिफ हो जाएंगे, और प्लास्टर उतरने के बाद आपको उस स्टिफनेस की वजह से काफ़ी परेशानी होगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न यहाँ पे भी ये भी होती है कि अगर आपको हाथों का प्लास्टर लगाया गया है, तो आप पाउच यूज़ करना चाहिए। आपको पैरों का प्लास्टर लगाया गया है, तो अगर आपको डॉक्टर ने एडवाइस नहीं किया उस पर चलने की, उसके ऊपर चलने के लिए, तो आपको नहीं चलना चाहिए, अदरवाइज प्लास्टर ब्रेक हो जाएगा और उसका जो फंक्शन है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होगा। तो क्रचेज यूज़ करने चाहिए, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट
करिए, अपने तरफ से उस प्लास्टर को काटने की ज़रूरत नहीं है, अपनी तरफ से उस प्लास्टर के अंदर कोई भी आपने अपने चेंजेस खुद नहीं करने हैं, वरना उसका नेगेटिव इफेक्ट होता है। जब भी प्लास्टर लगता है उसके लिए दो तीन इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो आपको समझने चाहिए। अगर प्लास्टर लगाने के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा हाथों में टाइटनेस फील हो रही है, कुछ हद तक टाइटनेस नॉर्मल होती है, वो एक दो तीन दिन में सेटल हो जाती है, लेकिन प्लास्टर लगाने के एक दो दिन के बावजूद आपको वो टाइटनेस नहीं जा रही है और उसकी वजह से आपको हाथों के अंदर बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, जलन हो रही है, बहुत ज़्यादा टिंगलिंग हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि अंदर से सुइयाँ चुभ रही हैं, या पेन हो रहा है जो आउट ऑफ कंट्रोल है, कहीं ना कहीं आपको फ्रैक्चर के बाद इतना पेन नहीं हुआ था जितना आपको प्लास्टर के बाद हो रहा है, इस तरह के केसेस में इम्पेंडिंग कंपार्टमेंट सिंड्रोम होने का खतरा ज़्यादा होता है। तो आप अपने डॉक्टर से इस बारे में ज़रूर कंसल्ट कर सकते हैं कि आप उनसे कांटेक्ट करिए कि आपको इस तरह की दिक्कत हो रही है। अगर आपकी जो फिंगर्स हैं या टोज हैं वो पेल हो रही हैं, उसके अंदर वो या तो वाइट हो गई हैं या वो नीली पड़ रही हैं या बहुत ज़्यादा सूज गई हैं, ये इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स होते हैं, इसके लिए आपको अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। आपको मेक श्योर करना है आपका प्लास्टर ब्रेक ना हो, अगर आपका प्लास्टर ब्रेक हो रहा है या प्लास्टर के अंदर क्रैक्स रहे हैं या प्लास्टर लूज हो गया है, ये सारी चीजें आपको अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को बतानी है, वरना जिस चीज के लिए प्लास्टर लगाया गया था वो एम हमारा वहीं ना वहीं डिफीट हो रहा है। लास्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जब भी आपका प्लास्टर उतरता है तो उसके बाद कुछ कंसर्न्स पेशेंट्स की होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न होती है कि जहाँ पे आपको हाथों की स्टिफनेस आ जाती है, पैरों की स्टिफनेस आ जाती है। अब देखिए ये नॉर्मल है, जब भी प्लास्टर उतरता है तो कुछ हद तक स्टिफनेस आना या वीकनेस आना दिस इज़ वेरी नॉर्मल, बिकॉज आपने वो वाला पार्ट काफ़ी टाइम के लिए यूज़ नहीं किया है। जैसे जैसे आपका एक्टिविटी लेवल बढ़ेगा वो स्टिफनेस वो वीकनेस वापस कम हो जाएगी और वो नॉर्मल हो जाएगा, तो इसके लिए आप घबराए नहीं। प्लास्टर उतरने के बाद भी वो जो हड्डी आपकी टूटी थी वो अभी भी हीलिंग स्टेज में है, आप बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो गए हैं, तो आपने मेक श्योर करना है कि आपके जो कुछ प्रिकॉशंस आपके ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स ने बताई है वो आप फॉलो करिए। आप ओवर एग्रेसिव होके हाइपर एग्रेसिव होके अपना एक्टिविटी लेवल खुद से नहीं बढ़ाएंगे, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके बढ़ेंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखी जाती है, कभी कभी प्लास्टर उतरने के बाद जिस जगह पे हड्डी टूटी होती है उसके ऊपर थोड़ी सी आपको लंप सा या स्वेलिंग सा दिखेगा, वो भी नॉर्मल है, वो एक्चुअली न्यू बोन फॉर्मेशन हुई है आपके प्लास्टर के नीचे जो हड्डी टूटी थी उस जगह पे, वो न्यू बोन फॉर्मेशन है और वो हड्डी धीरे धीरे रीमॉडल हो जाएगी और वो लंप जो आपको दिख रहा है वो जो हड्डी के ऊपर थोड़ी सी आपको स्वेलिंग या गिल्टी दिख रही है वो गायब हो जाती है। तो ये एक ब्रीफ ओवरव्यू था आपको मैंने आज जो बताया है प्लास्टर की डूज एंड डोंट्स, प्लास्टर की केयर कैसे करनी है, प्लास्टर के अंदर क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसके लिए आपको अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को मिलना चाहिए। जितने भी आपके नियर एंड डियर वंस हैं जो कहीं ना कहीं इस प्लास्टर को झेल रहे हैं उनको आप ये वाला वीडियो शेयर कर सकते हैं, सो दैट दे नो व्हाट इज़ सीरियस इनफ कि उसके लिए उनको कंसल्ट करने की ज़रूरत है और वो क्या प्रिकॉशंस लें ताकि इस प्लास्टर का मैक्सिमम बेनिफिट हो, हड्डी उनकी अच्छी तरह से जुड़ जाए। सो आई रियली होप यू लाइक्ड अवर वीडियो, इफ़ यू लाइक्ड इट गिव इट अ थम्स अप, शेयर कीजिएगा एंड डू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल, बिकॉज हम लोग इसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट आप लोगों के लिए क्रिएट करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।